और बात यहां नहीं रुकती है। आपके स्क्रीन पर यह शख्स है प्रशांत कनौजिया। कुछ दिनों पहले इन्होंने ट्वीट किया जो गलत जानकारी थी, रीट्वीट किया और बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। यह पत्रकार पिछले एक महीने से जेल में है। कुछ दिनों पहले उनकी पत्नी का मेरे पास कॉल आया, जगीशा का। जब उनकी पत्नी का कॉल आया तो मैं खुद कोरोना से ग्रसित था और खुद बात करने की स्थिति में नहीं था। जगीशा का मैंने ये आर्टिकल वायर में पढ़ा है दोस्तों, मेरे आंखों में आंसू आ गए। किस तरह से प्रशांत कनौजिया को देर रात पुलिस उठाकर ले गई और अब ट्वीट के लिए जो उन्होंने डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं कि वो ट्वीट अभी भी है, डिलीट कर दिया, उस ट्वीट के लिए आदमी जेल में है। और हमारे सामने ढेरों मिसालें उन पत्रकारों की जो समाज में जहर फैलाते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दी मिसालें, ढेरों मिसालें हैं। झूठी खबरें प्रसारित करते हैं, प्रचार करते हैं वो लोग, उन पर कोई एक्शन नहीं। अरे मैं मानता हूं प्रशांत से गलती हो गई, मगर उसने उस गलती भूल सुधार भी तो किया ना उसने। और प्रशांत कनौजिया एक व्यक्ति नहीं है, उनकी एक पत्नी है, उनका एक परिवार है भाई।